मैं रोज़ाना अपने काम से निकलता हूँ तो मेरी नज़र सड़क किनारे दिख जाने वाले ऐसे लोगों पर जा ठहरती है जो मेरे दिल, दिमाग और मेरे मन को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सड़क किनारे मौसम की हर परिस्थिति में लकड़ियों को तराश कर उन्हें टेबल, कुर्सी आदि का स्वरूप मुहैया कराने वाले वो लोग जिनके अद्भुत कला का दायरा एक शहर तक सिमट कर रह गया है, या यूं कहूं कि जनसाधारण के दृष्टिकोण से जो सिर्फ एक रोजी रोटी का जरिया बनकर रह गया है। जिनके द्वारा तराशी गई तमाम खूबसूरत वस्तुएं मेरे जैसे सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचते हुए मैं खुद से सवाल करता हूं कि ये कौन है, इनकी आमदनी कितनी है और इनकी अद्भुत कला से आखिर कितने लोग परिचित हैं। मेरे द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री में भोपाल शहर में रहने वाले इन्हीं लोगों के जीवन की अनकही कहानी के उन पन्नों को उजागर करने की एक कोशिश है जिनका सरोकार सरकार से लेकर आम जन तक नहीं है। इन लोगों से रूबरू होने पर पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर को यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली है। इन लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि अशोक चाचा तो कहीं और के हैं, लेकिन यह कहानी अशोक चाचा जैसे उन तमाम लोगों को अपने में समेट लेती है जो देश के कोने कोने से आकर यहाँ बस गए और इसी व्यवसाय में लग गए। बच्चियाँ हैं, चार बच्चे हैं, दो लड़कियाँ हैं, दो लड़के हैं। तो कहाँ रहते? कानपुर। दिल्ली में रह रहे हैं, किराए पर रहता हूँ। प्रॉपर कानपुर में घर है? हाँ। वो तो चल जाता है घर? घर तो चल ही रहा, बच्चे भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। अकेले की कमाई से नहीं चल पा रहा। और भीतर झांकने पर पता चला कि इस व्यवसाय में पहले के मुकाबले मेहनताना उचित नहीं है और सरकार के रवैये से ये हास्य पर आ गए हैं। सरकार हमको कुछ नहीं देती मदद। सरकार क्या देगी मदद? जब अपना खा लेंगे और नहीं तो बैठे रहेंगे। अपने हाथ की मेहनत है वो तो। सरकार तो कहती है फैलारा क्यों करते हो? और भगा देगी डलिए टोकरी बनाएंगे तो भगा देगी फौरन। देख ले कचड़ा कर रहे हो, इनको भगा, इनको नगड़ने का मारे ले जाते हैं। भर पे भर लेंगे, ले जाएंगे। जा जहाँ तुम्हारा घर है भाई, जा भाई। चुकी है नहीं, कहीं तक तोड़ ताड़ के भगा दिया हमको। 12 नंबर अब हम 12 नंबर से जहाँ आ रहे हैं। किराया लगा कभी किराया है कभी नहीं है। आधुनिकीकरण के इस दौर में आम जन भी इसे अपनाने में संकोच करता है। उपभोक्तावाद की पनपती संस्कृति में सक्षम तबका भी इन्हें अनदेखा कर रहा है। हस्तकारों की यह कारीगरी न केवल वस्तु बनाती है बल्कि भारत की पारंपरिक कलाओं को भी संरक्षित करती है। यह केवल वस्तु मात्र न होकर एक अद्भुत सौंदर्य के साथ हमें अपने जीवन के मूल्यों से भी जोड़ती है, जिसे एकाग्रता एवं शांत चित्त द्वारा अनुभव किया जा सकता है। मुझे इन लोगों को फिल्माने के दौरान इनके जीवन के कुछ पहलुओं को जानने का भी मौका मिला, जिसमें मुख्य रूप से इनके गृह नगर से पलायन, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आने वाले समय में और व्यापक होने वाली हैं। रोजी रोटी व परिवार के भरण पोषण के लिए ये लोग गाँव से शहर आकर सड़क किनारे अपना जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि खेती करना मतलब अपनी ही कब्र खोदने के समान है। आखिर हम इस तरह बेसुध एवं अनजान होकर भविष्य की इन विशाल समस्याओं से कैसे जूझेंगे? क्या इन लोगों के अतीत की तरह वर्तमान और भविष्य भी अंधेरों में निकल जाएगा?